और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना कस्बे से, जहां पर भरे बाजार में 32 वर्षीय सुशील कुमार अवस्थी को युवक ने मार दिया चाकू। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर में सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकौना से है, जहां पर इकौना कस्बे के सब्जी मंडी के पास इटवरिया निवासी 32 वर्षीय सुशील कुमार अवस्थी पुत्र करिंगन अवस्थी को इकौना बाजार के निवासी दिलीप गुप्ता के बेटे ने चाकू मार दिया। बताया जा रहा है कि दोनों खड़े होकर बात कर रहे थे, तभी बेपच्छी ने उन पर चाकू से हमला कर दिया और उन घायल अवस्था में आसपास के लोगों ने बैटरी रिक्शा के माध्यम से उन्हें इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उनकी हालत बेहद नाजुक बताते हुए बहराइच रेफर किया। पीड़ित ने बताया कि रौनक गुप्ता पुत्र दिलीप गुप्ता ने उन पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उनकी हालत गंभीर बन गई। ऐसे में आसपास खड़े लोगों ने उन्हें तत्काल इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया और जब इसकी जानकारी इकौना पुलिस को हुई तो पहुंचे नहा तो रानू सिंह वही गलैया से वडवा पे यहाँ निकले आप पहचानते हो? अरे परिचित गए हुए भाई, पहले से परिचित गए। किससे लेके आए? किससे लेके आए? अरे यही बैटरी वाले बलाई के लेके चला है, क्या करिए फिर कौन और साधन रहा, एक बैटरी वाला रहा तुरंत लाइन लेके चला है। पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया। आनंद फानंद थाना अध्यक्ष समेत भारी संख्या में इकौना पुलिस अस्पताल पहुंची, घायल से बातचीत किया और फिर आरोपी को पकड़ने के लिए पूरी फोर्स निकल पड़ी। श्रावस्ती जनपद के इकौना कस्बे का यह पूरा मामला है, जहां पर 32 वर्षीय इटवरिया निवासी सुशील कुमार अवस्थी पर हमला किया गया, जिसके चलते उनकी हालत बेहद नाजुक बनी। जैसे ही इसकी जानकारी दोनों पक्षों को हुई तो दोनों पक्षों के भारी संख्या में लोग भी इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जिनकी मौजूदगी में घायल शख्स की हालत नाजुक बताते हुए डॉक्टरों ने उन्हें तत्काल बहराइच के लिए रेफर कर दिया। मौके पर पहुंचे भाई के साथ एम्बुलेंस की सहायता से उन्हें बहराइच भेजा गया। वहीं पीड़ित के परिजन काफी गुस्से में दिखाई पड़े। दिलीप के लड़का, दिलीप गारमेंट्स से बोले। अच्छा,